हे गाइस, टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल का, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल का पेपर में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं टेक्निकल्स के। फॉर जीके और आप रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। सर ने सिविल में भी मेंशन किया था, सिविल के वीडियो में भी मेंशन हुआ था। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसकी डेट्स पोस्टपोन हो चुकी है, तो फर्दर हम आपको इसमें यही बता सकते हैं कि जीके और रीजनिंग के, जीके के लिए आप करंट अफेयर थोड़े बहुत पढ़ते रहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12 क्वेश्चन है नहाल, वो आपका कोई इतना ज़्यादा मार्जिनलाइज नहीं करेगा। पर रीजनिंग आपका टू द करेक्ट होना चाहिए, टू द करेक्ट रीजनिंग और टेक्निकल, टेक्निकल और रीजनिंग से ही मार्क्स में वेरिएशन और रैंक चेंजेस हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट से। पहला है नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क में बहुत सारे उसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, जैसे कि हम बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक हुआ, उसका थ्योरम हुआ, रेजोनेंस, साइनसॉइडल, ग्राफ थ्योरी, तो इसमें बहुत सारा वाइड नेटवर्क है। और उसमें भी जो चीज़ें हैं आपको पढ़ने लायक, जैसे कि बेसिक्स में से आप डेफिनेशंस ले लीजिए। डेफिनेशन हर छोटी से छोटी चीज़ की, जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, कंडक्टेंस हुआ, फ्लक्स हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, इन सब का प्रॉपर्टीज़ और इन सब का डेफिनेशन, इन सब का यूनिट, एक्चुअल में यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका फ्लक्स डेंसिटी का है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो सकती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, इन सब में डिफरेंस, कॉमन छोटा छोटा डिफरेंस, शॉर्ट यूनिट्स, आपको सब याद रखना है। आप बिल्कुल कुछ भी स्किप ना करिएगा। आगे मूव करते हैं, जैसे कि थ्योरम में जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ, थेवेनिन थ्योरम हुआ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम हुआ, टेलिगेंस थ्योरम हुआ, ऐसे बहुत सारे जितने भी तीन चार मेन थ्योरम आप यही देखिए, इनमें ही, इनसे ही क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन, जैसे कि लोड रेजिस्टेंस जब तक है ना वेरी करके हम सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर नहीं लाते, जब तक एमपीटी अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ऐसे करके हम उसका बहुत सारा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एमपीटी से ही, मान लीजिए एमपीटी से ही 2016 में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे कि साइनसॉइडल में मैं आपको बोलूँगा कि वेव फॉर्म्स साइनसॉइडल वेव फॉर्म हो, उसका फिर हाफ वेव फॉर्म हो, सॉटूथ वेव फॉर्म हो, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर वेव्स हो, इनका रेक्टिफाइड वेव फॉर्म हो, तो उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ध्यान रखिएगा, उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू वो पूरा का पूरा आप याद रखिए, किस में बाय रूट टू आता है, किस में 2 IM/π आएगा या 2 VM/π आएगा, किस में सिर्फ IM/2 आएगा, किस में सिर्फ IM ही आएगा, ऐसे करके काफ़ी वेव फॉर्म्स है, उनका सबका अलग अलग है। छोटा सा चार्ट बनाइए, उसको रोज़ देखिए, आपको याद रह जाएगा। अगला मूव करते हैं हम, जैसे कि ग्राफ थ्योरी पे मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ टाइसेट और कटसेट मैट्रिक्स पढ़ लीजिए। टाइसेट मैट्रिक्स उसका, उसमें इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है, टाई ट्री ट्री ट्विग लिंक, ये सब इंडिविजुअल लूप्स, ये सब क्या होता है, आप इन्हीं में डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इनका मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाना तो काफ़ी नहीं आएगा क्योंकि इतना पेपर में वर्थ उतना है नहीं, सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है। तो आपका, मैं ये बनना चाहूँगा कि ग्राफ थ्योरी में आप छोटा छोटा बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक उसका क्या क्या पॉइंट्स है, की पॉइंट्स क्या क्या है, ये ट्री ट्विग्स ये क्या क्या है, ये याद रखें। कैसे एक ट्री, जैसे कि न्यूमेरिकली आया था 2016 के पेपर में, उसमें बताना था कि सेट ऑफ करंट कौन कौन से हो सकता है, तो आपको उसमें ब्रांच क्या होती है, ये सब आपको थोड़ा सा, और कैसे ट्री एक्चुअल में कैसे ट्री फॉर्म हो सकता है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान देने, ठीक है, ओके। तो हम बढ़ते हैं नेटवर्क में। हाँ, एक और है जैसे कि ट्रांजिएंट से पर्टिकुलर कुछ ऐसा कुछ आएगा नहीं। ट्रांजिएंट में जैसे कि बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि है ना 200 साइन समथिंग, उसका इक्वेशन था 200 साइन ओमेगा टी, और टी इक्वल्स टू 40 फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दिया गया था 50 हर्ट्ज़ का, और उसमें बोला गया था कि 100 एम्पियर पे या 100 वोल्ट पे कब तक पहुँचेगा।
तो बस उसको बस सिंपल है, ये सिंपल नेटवर्क का क्वेश्चन हो सकता है। इसको आप वहाँ तक कैसे आप इसको इक्वेट करके इक्वेशन को रेडियंस को डिग्री, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला मैं मूव करता हूँ मशीन की तरफ। मशीन में बहुत वाइड सिलेबस है, मशीन में जैसे कि बहुत सारा आता है, ट्रांसफार्मर आता है, डीसी आता है, इंडक्शन आता है, सिंक्रोनस आता है। मशीन जैसे हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में बहुत सारा जैसे कि आप बेसिक से स्टार्ट करें ट्रांसफार्मर का, शेल कोर टाइप का ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका डिज़ाइनिंग कैसा होता है, उसमें सैंडविच क्या होता है, क्या लेयर क्या होता है, कोर में क्या कौन आ रहा है, उसका कूलिंग कैसा हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन सा मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब बिल्कुल कॉमन अंतर आना चाहिए आपको शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यू मस्ट नो दैट वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू अवर लॉसेस, लॉसेस ऑफ ऑल द आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, यू नो हिस्ट्री मैग्नेटिक लॉसेस, ये आपको इस सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है एक्चुअल में, फ्रिक्वेंसी पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है लॉसेस, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, इसके जो ग्रुप्स होते हैं उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन कब हो जा रहा है स्टार डेल्टा। फिर वीवी कनेक्शंस क्या होता है, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, ओपन डेल्टा किसको क्या बोला जा रहा है, किसके लिए किसका एप्लीकेशन है ओपन डेल्टा, स्कॉट कनेक्शन किसका एप्लीकेशन है, है ना, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। और हम उसके बाद आके आते हैं कूलिंग्स का, मैंने बता ही दिया आपको, उसमें लैमिनेशंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लैमिनेशंस कौन सा होता है, कौन सा यूज़ करा सकता है, कौन सा, फिर है ना वो आप ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शंस पढ़ सकते हैं, है ना, रिले ऑल सब। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव होते हैं हम डीसी पे। डीसी में जैसे कि डीसी बहुत सारा वाइडली क्लासिफाइड है, डीसी में सीरीज मोटर, शंट मोटर, है ना, मोटर्स, जनरेटर, मोटर्स और जनरेटर, फिर उसमें अंदर सब में शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर्स, फिर जनरेटर में भी सिमिलर ऐसे ही आते हैं। तो इसमें जो खास बात यह है कि इनके जो ग्राफ्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, वो इनका जो टॉर्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, है ना, वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक से कहो है, और इनकी जो एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मोटर लगती है, लैथ मशीन में कौन सी लग रही है, रोलिंग पाइप्स में कौन सी लग रही है, है ना, इसमें कन्वेयर बेल्ट में कौन सी लग रही है, हाई स्पीड में, इंजन में, मेट्रोज में, ट्रामवेज में, अपना बेसिक बेसिक आपको इसका अंतर याद रहना चाहिए कि यार ये यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कहाँ कहाँ लगेगा। डीसी में जैसे कि लॉसेस हुआ, है ना, कंडीशंस हुई जिस पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, है ना, ये इसका एक बेसिक न्यूमेरिकल आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपको जैसे ही इस सब का आएगा, बिल्कुल डीसी आपको क्लिक होना चाहिए, आपको वैसे ही आपका आंसर आना चाहिए। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंडक्शन में। इंडक्शन मशीन जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज ये हुआ या थ्री फेज हुआ, उसका स्लिप का कर्व, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का कर्व जो होता है वो कैसा होता है, 5% स्लिप के इतनी होती है, 90% स्लिप के बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले, ns इक्वल्स टू 120 f बाई पी, n इक्वल्स टू ns ब्रैकेट में 1 माइनस s हुआ, है ना, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। स्लिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लिप होता क्या है, ठीक है, और जैसे कि मैंने स्टेटर का फ्रिक्वेंसी दे दिया तो रोटर का फ्रिक्वेंसी क्या होता है, आपको ये छोटा छोटा डिफरेंस थोड़ा मालूम रहना चाहिए इंडक्शन में। इंडक्शन और भी इंडक्शन में, इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इनमें क्या वाइड डिफरेंसेस होता है, किसमें वायर किसमें कम लग रहा है, किसमें लेस लग रहा है, स्क्विरल केज में क्या खासियत है, हाई स्पीड में कौन सा रोटर यूज़ हो सकता है, लो स्पीड में कौन सा यूज हो सकता है, इंडक्शन जनरेटर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मेन आपका इंडक्शन में ये रह सकता है। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एनालॉग सब्जेक्ट पे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जैसे कि उसमें बीजेटी हुआ,
FET हुआ, MOSFET हुआ, FET के अंदर में ही आ जाएगा MOSFET। BJT आपका मेन कंसर्न है, BJT के जितने भी आपके डिवाइसेस है आप जो भी पढ़ें BJT क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका डिफरेंट कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, उसके अलग अलग टाइप, किसका एप्लीकेशन, लाउड स्पीकर में कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉमन बेस के टाइम में है ना, फॉरवर्ड बायस कौन सा हो सकता है, रिवर्स बायस क्या हो सकता है, NPN आप तो NPN थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, NPN बोलूँ या PNP बोलूँ उसका कोई डिफरेंस नहीं, आप दोनों को क्लियर समझिएगा। ओके, FET में FET का जो डिज़ाइनिंग है उसमें गेट, ड्रेन, सोर्स, उसको कैसे कनेक्ट करना है, कौन फॉरवर्ड बायस, कौन रिवर्स बायस होता है, कैसे वो, कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, कैसे उसका करंट कंट्रोल, कैसे करंट को ट्रिगर करा जा सकता है, उसमें जो सैचुरेशन, उसका जो चैनल है उसका डेप्थ, उसका चैनल का डेप्थ वाइड और कम ज़्यादा कैसे करा जा सकता है, उसका फार्मूला पे कैसे डिपेंडेंसी है करंट की, वोल्टेज की, ठीक है, ये सब छोटा छोटा आप याद रखिएगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसे कि MOSFET हुआ, MOSFET में जो आपका सिलिका क्या काम होता है, ठीक है, उसका जो लेयर होता है वो कैसे बनता है, उसका जो चैनल होता है वो कैसे रहता है ना, इसका बिल्कुल छोटे छोटे डेफिनेशन है ना, ये याद रखिएगा, उससे काफ़ी आपको हेल्प आउट होंगे आप। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम मेज़रमेंट पे। मेज़रमेंट भी एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मेज़रमेंट एक्चुअल में मार्किंग, मार्क बहुत अच्छे ला सकते हैं आप इसमें मेज़रमेंट में। मेज़रमेंट में बिल्कुल आपको थोड़ा सा डिवाइसेस में आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, PMMC क्या होता है ना, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रिंसिपल क्या होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ओके, ये सब जो है इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, करंट पे कौन डिपेंडेंस है, वोल्टेज पे कौन डिपेंडेंस है, है ना, किसी का कौन सा डिपेंडेंस है AC पे, कौन सा सिर्फ DC पे, कौन सा बोथ ऑफ AC एंड DC पे, कौन सा टेम्परेचर पे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का, कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इंस्ट्रूमेंट लग सकता है, कौन सा हाई करंट मेजर कर सकता है, ठीक है, ओके, दिस डिफरेंस यू माइट बी मस्ट क्लियर इन दिस ऑल दिस अमंग दिस 3 डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जैसे कि शंट और सीरीज, शंट और सीरीज उसका जो रेटिंग्स होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करा सकता है, जैसे कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में क्या लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस का जो वो रहता है कौन सा लगेगा, मैग्नेन लगेगा, कॉन्स्टेंटन लगेगा, क्या लगेगा, उसका प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शंट में क्या लगता है, शंट में कैसा वायर लगेगा, उसका रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर अगला मूव होते हैं जैसे कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस को मेज़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के बहुत सारे तरीके, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन हुआ जो से भी है ना, मेगर का हुआ, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए जैसे कि केल्विन डबल्स ब्रिज हुआ, ठीक है, एम्पियर वोल्ट मीटर होती है मेथड होती है, एक वोल्ट मीटर एम्पियर मेथड होता है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। AC ब्रिजेस हुआ जैसे कि उसमें मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, उसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज सिर्फ मैक्सवेल ब्रिज होता है, श्रिंगर्स ब्रिज होता है, DeSauty ब्रिज, मॉडिफाइड DeSauty ब्रिज, वैन ब्रिज, ओके, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एनर्जी मीटर पे आते हैं, एनर्जी मीटर कैसा होता है, उसमें जो क्रीपिंग आती है वो कैसे होती है, ओवर कंपनसेशन क्या होता है, ओवर वोल्टेजेस क्या होता है, शंट मैग्नेट क्या होता है, सीरीज मैग्नेट क्या होता है, ऐसे करके उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत छोटा छोटा आप डीप में पढ़े उसका एनर्जी मीटर का आपको न्यूमेरिकल नहीं, परसेंटेज क्रीप एरर आपको फाइंड नहीं करना है, एक्चुअल में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है। वाट मीटर हुआ, EDM टाइप वाट मीटर कैसा होता है, ब्लॉन्डेल्स का थ्योरम क्या कहता है, और उसमें जैसे कि कितना फेजेस है तो कितने वाट मीटर लगेंगे, ऐसे जनरल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारा कंट्रोल पे आते हैं, कंट्रोल में आप जैसे कि ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ये क्या होता है, इस पर क्या डिपेंडेंसी है, ओपन लूप से क्या चेंजेस आ सकता है, क्लोज लूप पे क्या चेंजेस आ सकता है, स्टेडी स्टेट में क्या चेंजेस आ सकता है, बेसिक में तो आपको ये भी बोलूँगा एरर्स पढ़ के जाइएगा, एरर कौन कौन सा होता है ना, ओके, वेलोसिटी एरर, ये सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये सब क्या क्या होता है, बेसिक आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में एक्चुअल में एरर कौन कौन सा, इस टाइम में कौन कौन सा निकलेगा,
आपको बेसिक ये डिफरेंस पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में, ठीक है, जीरो जीरो ऑर्डर में, ठीक है। टाइम रिस्पांस एनालिसिस आपको पूरा थोड़ा सा उसमें बेसिक बेसिक ध्यान रखिएगा, टाइम रिस्पांस एनालिसिस कैसे करना है, और फीडबैक का कैसे वेरिएशन में कर सकता हूँ, तो मैं कैसे कैसे कंट्रोल हो सकता है। इसी के साथ साथ जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें इतना ज़्यादा मत जाइएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लगता नहीं इतना एक्सपेक्ट करेंगे उसमें, क्योंकि 80 क्वेश्चन है मैक्सिमम। मशीन नेटवर्क और मेजरमेंट और इस पे ही डिपेंड करता है, कंट्रोल सिस्टम पे, एनालॉग पे। तो इस पे इतना पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम जब SSCJE का स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान दे देंगे। और दैट्स इनफ। मैं आपको, हाँ, मटेरियल में आप थोड़ा सा सुपर कंडक्टर पे ज़्यादा देख के जाइएगा। मटेरियल मैंने काफ़ी देखा है कि मटेरियल का काफ़ी कुछ पूछा गया है। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी कैसे लूज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनता है, उसमें क्या कंडीशंस होती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और टेम्परेचर्स क्या होते हैं, है ना, क्यूरी टेम्परेचर्स क्या होता है, ठीक है, इन सब में कॉमन कॉमन डिफरेंसेस, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के, मोनोलिथिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ये सब क्यूबिक हुआ, हेक्सागोनिक, ऑर्थोरॉम्बिक, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा। एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बेसिक बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करिएगा, रिवाइज रिवाइज में थोड़ा सा ज़्यादा और एक्यूरेसी रखिएगा। और हाँ, जब नेटवर्क के क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो न्यूमेरिकल में नेटवर्क के ही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और मशीन के थोड़े बहुत, तो न्यूमेरिकल भी बहुत छोटा सा रहेगा उसमें। जब जब आप नोडल एनालिसिस या थेवेनिन्स का इक्वेशन लिखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करिएगा, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं दीजिएगा, उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगा, और टू द पॉइंट करेक्ट करके चलिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप यहीं से करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लास्ट में ऐसे बहुत सारा रहता है पर मैं आपको वाइंड अप कर दे रहा हूँ। तो एट लास्ट में इसको अगर सम अप करूँ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मशीन और नेटवर्क में इन दोनों का मिला के ही आपका पेपर 50% का पेपर आपका सेट हो जाएगा। इन दोनों का डेफिनेटली आप मशीन और नेटवर्क को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें, बहुत अच्छे से डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म से लेके आप इसका एक एक छोटा से छोटा पॉइंट, जो ज़्यादा डीप में नॉलेज आपका नहीं ले जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर का सतह सतह का पढ़िए। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़िए, रिवीजन अच्छे से करिए, इफेक्टिव यूनिट सब याद रखिए, न्यूमेरिकल कैसे तुरंत सॉल्व होना है, क्या स्लिप, क्या नेटवर्क, क्या नोडल, क्या थेवेनिन, सब लगा के आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये आपका 50% यही है, यही आपका बेसमेंट क्रिएट करेगा, यही आपका मार्क्स का स्तर लाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम एनालॉग पे। एनालॉग हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सपेक्ट राइटिंग, मेजरमेंट हुआ, मटेरियल हुआ, इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30%। 30% में भी मेजरमेंट का बहुत अच्छा वेटेज होगा, ठीक है, इनमें से ही हम 30% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें से भी आप ध्यान रखिएगा BJT FET जैसे मैंने बताया था, रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, है ना, मटेरियल में, सुपर कंडक्टर्स एंड मैनी सब्जेक्ट्स एंड मैनी सब टॉपिक्स इनसाइड दैट। तो उसमें सब में ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेजरमेंट तो आप बिल्कुल ध्यान से, इसको तो छोड़िएगा ही नहीं, इसको तो बिल्कुल ही छोड़िएगा नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा डीप आपको बस डीप मन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डीप मत पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर सतह सतह का सरफेस सरफेस नॉलेज आप लेके चलिए, ठीक है, डेफिनेशन है ना, उसका यूनिट्स, उस पर बेस अगर न्यूमेरिकल है तो उसका कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, वो सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 30% पेपर आपका एनालॉग मेजरमेंट और मटेरियल से ही हो सकता है। और लास्ट में हम आते हैं पावर सिस्टम, बहुत हैवी सब्जेक्ट है ये, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी बहुत हैवी सब्जेक्ट है, और कंट्रोल, इससे अप्रॉक्स 20% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% हम सब्जेक्ट, ये 20% क्वेश्चन इस पे से हो सकते हैं, मिस उसमें भी कंट्रोल उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज रखेगा। इस पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पे कोई अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, और पावर सिस्टम और कंट्रोल में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पावर सिस्टम का वेटेज SSCJE में बहुत ऊंचा हो जाता है, ठीक है, और कंट्रोल का थोड़ा सा एवरेज रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें कंट्रोल में जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो तो आप पढ़ के ही जाए, ठीक है,
मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स वही की पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं, और बिल्कुल वही टॉपिक्स डिस्कस करे हैं जो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 1920 हो सकता है, मगर आपका बेसिक तो यही रहना चाहिए। ठीक है, आपका जीके और जीएस तो आपके साथ में प्रिपेयर हो ही रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिवाइज़ करिए, खूब रिवाइज़ अच्छे से करिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कोई कन्फ्यूजन का दायरा नहीं रहना चाहिए। ओके, तो मैं आपके साथ यही बोलना चाहूँगा। ठीक, आप जीके और रीजनिंग के लिए, जैसे कि रीजनिंग में नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग हुआ, उसमें आप बिल्कुल आप बहुत सारे आपको हमारे हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं लेक्चर, आप वो रेफ़र करें, आपका उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उससे बाहर कुछ होना भी नहीं है। क्योंकि 12 क्वेश्चन में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कैट लेवल का एग्ज़ाम आ जाए, कैट लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो जैसे कि एनालॉगी हुआ है ना, नंबर कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज हुआ, ठीक है, तो इतना हम बेसिक क्वेश्चंस आपका चुटकियों में हो सकता है। ओके, जीके में आप बिल्कुल करंट का पढ़ते रहिए, करंट में से ही मेरे को, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे कि अभी एशियन गेम्स हुआ था उसका, क्योंकि हमारा अपना एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो गया, शायद एशियन गेम्स इंक्लूड कर दें या ओलंपिक इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो इतना जो है उतना आप करके जाइएगा, है ना, जो बिल्कुल फेमस पर्सनालिटीज़ है इंडिया की उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्पेस के लिए अपना जितना सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ है रीसेंट का, ज़्यादा पीछे का भी मत जाइएगा, सिर्फ रीसेंट का जो जो लॉन्च हुआ है वो याद रखिएगा। और एज अ 12 क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा लोड की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर 120 क्वेश्चन है तो उसमें से 80 इसके टेक्निकल के और 12 इसके रीजनिंग के, इसमें से 92 में से आपके 80+ आ जाते तो आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। और 12 में से हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पाँच एक मान लीजिए कि जीके में से पाँच एक भी सही चलेगा, तो काफ़ी बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल में आपसे मैं बहुत एक्सपेक्ट करूँगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करिए, हमने भी इस पर अपलोड कर रखा है, आप उन्हें देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप अपना कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट में लिख के दीजिए, हम इस पर आगे वीडियो में उसको शेयर करेंगे, उसको उस पर वर्कआउट करेंगे। ओके, थैंक यू।